ਸੋਹਣੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜੱਟੀ ਦਾ ਆਏਮ ਵੇ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤੇਰਾ ਸਰ ਨੇਮ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਉਣੀ ਮਹਿੰਦੀ ਜੱਟੀ करवा चौथ तो आप सबको हैप्पी करवा चौथ। एक्चुअली शाम हो गई है तो मैं अभी प्रिपेयर कर रही हूँ कि मुझे क्या पहनना है और ज्वेलरी वगैरह सेट कर रही थी। मेरा फर्स्ट करवा चौथ है तो मैंने सोचा था कि लहंगा वगैरह पहनती अपनी शादी का, लेकिन वो चीज़ें हो नहीं पाई क्योंकि वो घर पे है और हम लोग बाहर हैं तो वो पॉसिबल नहीं था। तो मैं अभी पहन रही हूँ साड़ी और वो येलो कलर की बहुत ही प्यारी सी साड़ी है। मैं अभी दिखाऊंगी आपको वो कैसी है और उसी के साथ थोड़ा बहुत मेकअप अप्लाई करूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं। मैंने सोचा था कि मैं व्लॉग शूट करूं मॉर्निंग से बट वो पॉसिबल हो नहीं पाया। सो फ्रेंड्स, दिस इज़ माय साड़ी जो कि मैं आज पहनने वाली हूं और येलो कलर की बहुत ही प्यारी सी ओम्ब्रे शेड में ये साड़ी है और प्योर जॉर्जेट है तो साड़ी का तो कोई भी वेट नहीं है, बट यहाँ पर ये जो वर्क है पर्ल स्टोन्स इन्हीं सब का वेट है तो ये थोड़ी सी हैवी है साड़ी, बाकी तो सब कुछ अच्छा है। ये साड़ी मेरी फेवरेट है और इसके साथ मैं ये थोड़ी बहुत ज्वेलरी कैरी करूँगी, बहुत ज़्यादा नहीं, और मेकअप अप्लाई करूँगी हल्का फुल्का, बहुत हैवी नहीं करने वाली, तो आज यही मैं कैरी करने वाली हूँ। यहाँ गोवा में करवा चौथ से रिलेटेड सामान मिल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बट हम लोगों ने एक शॉप ढूंढा किसी तरह से, वहाँ पे सारा व्रत का सारा सामान मिला, जैसा चाहिए था वैसा नहीं मिल पाया मुझे। ऑनलाइन मैंने सोचा कि ऑर्डर कर दूं थाली का सेट वगैरह जो भी रहता है आज का, चलनी वगैरह थाली वगैरह का सेट खूब सुंदर सुंदर, गोवा में डिलीवर नहीं होगा या फिर वो करवा चौथ के बाद डिलीवर होगा तो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। फिर मैंने सोचा कि मैं खुद से ही बनाऊंगी, बट एक शॉप मुझे मिल गई थी जहाँ पे पूजा का सामान मिलता है तो उन्होंने बोला कि वो 16 को लेके आएंगे, तो मैंने सोचा चलो इट्स नाइस मुझे 16 को ही मिल जाएगा तो ठीक है, 17 को फास्ट है, कोई उतना लफड़ा नहीं होगा। बट 16 को हम लोग गए तो उनके पास कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, थाली वाली का कुछ भी सेट वेट नहीं था, उनके पास एक चलनी बस नॉर्मल स्टील की चलनी थी और उसमें वो एक लेस दे रहे थे, बोल रहे थे कि ये लगा लीजिएगा। तो मैंने सोचा कि मैं इतने दिन तक वेट क्यों कर रही थी, इसी चक्कर में मैं वेट कर रही थी कि आपके यहाँ सामान मिल जाएगा, वरना मैं ये सब चीज़ें खुद से पहले से अरेंज कर लेती। तो उन्होंने बोला कि ठीक है चलो मैं नेक्स्ट डे आपको करके देता हूँ, आज मतलब आज 17 है और आज मॉर्निंग में आप आओ लेके जाओ, मैं सारा करके दूंगा। तो मैंने फिर से एक बार बिलीव कर लिया और ये मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी हो गई। और उन्होंने क्या किया, करवा लिया उसको हल्का सा थोड़ा बहुत पेंट वेंट किया, नॉर्मल सा कलर जैसे वाटर कलर होता है उससे पेंट कर दिया, उस पर स्टोन चिपका दिया, मिरर चिपका दिया, हो गया। और मेरी चलनी पे उन्होंने कोई भी लेस नहीं लगाया, एक पतला सा लेस लगाया और 2-3 मिरर 4-5 मिरर लगाया, हो गया। एक तो मैं आज लेने नहीं गई, मैं अपने हस्बैंड को ही भेज दी और वो लेके आए तो मुझे सरप्राइज पैकेज में वो घर पे मिला, मेरा एकदम मूड ऑफ हो गया कि ये तो मैं इससे अच्छा ही करती मैं घर पे, मैंने फालतू में उनके ऊपर अपना टाइम वेस्ट किया, तो थोड़ा डिसअपॉइंटिंग इस चीज में था। तो बट मैंने सोचा कि फास्ट रीजन मूड तो नहीं ऑफ करूंगी, तो अभी जो भी है उसी से करने वाली हूँ, नेक्स्ट ईयर तो मैं प्रॉपर अपना अच्छे से अरेंज करूंगी। सो यू कैन सी दिस इज़ माई करवा और उन्होंने ये क्या किया है, पेंट जो वाटर कलर होता है उससे पेंट कर दिया और मिरर और ये स्टोन वगैरह स्टिक कर दिया इस पर ग्लू गन के थ्रू, और वो भी एकदम अच्छे से नहीं किया है, और ये पतला सा लेस लगाया है, ये मैं बाद में दिखा रही हूँ आपको, पहले मैंने शूट नहीं किया था। सो ये है मेरी चलनी और जिसको इन्होंने पेंट भी नहीं किया, बस इसमें ये पतला सा लेस लगाया है और ये मिरर लगाया है ग्लू गन के थ्रू और बस, जबकि उन्होंने मुझे बोला था कि मैं अच्छा सा लेस लगा के दूंगा, घर पे है मेरे वो, तो आप छोड़ के जाओ इसे, और यही उन्होंने करके दिया है, तो बस अब इसी से पूजा करना पड़ेगा। बात आती है मेहंदी की, तो मैंने पहले क्या सोचा कि यहाँ पे गोवा में कोई मेहंदी आर्टिस्ट तो होगा ही होगा,
कुछ तो मिल ही जाएगा, क्योंकि ये सब फास्ट ऐसे होते हैं ना कि पहले भले ही आपको नहीं दिखता कोई ना कोई, लेकिन उस दिन जरूर कोई मिल जाता है मेहंदी आर्टिस्ट। लास्ट मंथ ही एग्जीबिशन था, वहां पे गए थे हम लोग, तो वहां पे एक मेहंदी आर्टिस्ट मुझे दिखा था, बट उनका क्या था कि वो कहीं पे ऐसे मतलब नहीं लगाते वगाते हैं, उनको घर पे कोई फेस्टिवल हो, कई सारे लोग हो, और या फिर कोई फंक्शन हो शादी वादी का, तो वो घर पे आके लगाएंगे, वो एक सिंगल पर्सन को नहीं लगाएंगे। तो ये चीज बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी, तो मैंने खुद से ही फिर हाथ में लगाया कि गोवा में आपको मेहंदी आर्टिस्ट नहीं मिलेंगे बहुत ज्यादा, बट टैटू आर्टिस्ट आपको हजारों मिल जाएंगे, बहुत लकी होगे तो आपको मिल जाएगा वरना नहीं मिलेगा। और फिर यही मेहंदी लगाया हुआ है, ये रात में ही लगा लिया था तो थोड़ा डार्क वार्क हो गया है, ये वाला अभी शाम में लगाया है, और यू कांट बिलीव ये मैंने अपने लेफ्ट हैंड से लगाया हुआ, ये देख सकते हो आप डिजाइन जो भी मुझसे लगा ये मैंने अपने लेफ्ट हैंड से लगाया, मैंने कभी भी लेफ्ट हैंड से कुछ लिख भी नहीं पाती हूँ, बट मैंने ये पूरी की पूरी मेहंदी अपने लेफ्ट हैंड से लगाई है, तो वो चीज मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि मैंने पहले सोचा अपने हस्बैंड से लगाऊं, बट वो लोग तो बस ऐसे कोन लिया और कुछ भी जो डिजाइन बनता चला गया वो बना देंगे, तो वो मुझे पसंद नहीं आता। मेहंदी आर्टिस्ट मिलता तो मेहंदी बाहर से ही लगवाती, बट नहीं मिला तो अपने से ही रात में थोड़ी बहुत कलाकारी की है मैंने, ये देखिए। आज ना बादल वादल सब आ जाएगा एक साथ, अभी इतने दिन से गोवा में कोई बारिश नहीं हो रही थी, बट आज फास्ट है और आज चंद्रमा की भी पूजा करनी है, चंद्रमा को देखना भी है, तो वो फिर भगवान जी अच्छे से एग्जाम भी लेते हैं, क्योंकि आज फिर बादल वादल हो गया, खूब बारिश होगी, तीन चार दिन से अभी तक नहीं चल रहा था यहाँ पे, बारिश एकदम से बंद हो गई थी, बट अब दो दिन से यहाँ पे बारिश चालू हो गई है, तो अभी मुझे लग रहा है कि बारिश होगी। प्यास तो अभी तो नहीं फील हुआ, थोड़ा बहुत फील हुआ था जब मैं प्रसाद वगैरह बना रही थी, तो पानी को देख के लग रहा था कि बहुत पीना है, आज पता चल रहा है कि पानी की क्या वैल्यू है। वैसे मैं तीज का फास्ट थी और उस दिन गणपति भी था, उस दिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला, बट आज जब मैं प्रसाद बना रही थी और कई सारी चीजें बनानी होती हैं प्रसाद के लिए, तो उसमें मुझे पानी को देख देख के बहुत ज्यादा जैसे क्रेविंग नहीं होती कि क्या है ये, मुझे जैसे पीना है बस, उसकी वैल्यू मुझे आज पता चल रही है पानी की वैल्यू, तो सेव वाटर यार, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा जरूरी है हमारे लिए। तो अभी मैं तैयारी कर रही हूँ पूजा की, और जब चंद्रमा की पूजा करूंगी, अगर बारिश नहीं हो रही होगी तो वो मैं ब्लॉग में शूट करूंगी, तो मिलते हैं थोड़ी देर में, टिल देन बाय। हे गाइस, तो अब मैंने चेंज कर लिया है और बहुत ज्यादा टायर्ड हो गई हूँ, क्योंकि अभी मेकअप भी रिमूव नहीं किया मैंने, तो और भी दिक्कत इसलिए हुई क्योंकि शाम में हो गई थी बारिश, और बारिश की वजह से मुझे चंद्रमा दिखा ही नहीं, मुझे पता था आज बारिश होगी ही होगी और बारिश की वजह से मुझे चंद्रमा नहीं दिखा, तो मैंने फिर ऑनलाइन वीडियो कॉलिंग के थ्रू अपना पूरा व्रत कंप्लीट किया और पूजा किया चंद्रमा की, बस पानी पिया, खाने का कुछ मन नहीं है, बट हाँ प्रसाद है तो थोड़ा सा खाऊंगी, और बाहर जाने का जो प्लान था वो कैंसिल ही ऑलमोस्ट, क्योंकि अच्छा नहीं लगता, भगवान की चीज है पूजा वाली, तो हम लोगों ने सोचा कि आज घर पे ही रहते हैं, घर पे ही खाते हैं, और अभी मैंने खाने पे क्या क्या बनाया था खाने में वो मैं दिखाऊंगी आपको। सो फ्रेंड्स, ये है प्रसाद जो आज मैंने बनाया है, इसमें गुलगुला और ये जो पनगोझा होता है और चावल के आटे का लड्डू, ये कंपलसरी होता है, और उसके साथ ही मैंने बनाया है पूड़ियाँ, और मैंने बनाया है कढ़ी, और खीर बनाया है क्योंकि चंद्रमा की पूजा थी तो खीर ज़रूरी होता है। अभी तो ये छेना लिया है, चावल के आटे का लड्डू रखा है, अभी नहीं खा रहे हम लोग, तो
तो ये है मेरा प्रसाद, आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय, हैप्पी करवा चौथ वंस अगेन, बाय बाय।